पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 43 उपद्रवियों को पुलिस ने भेजा जेल। जेल जाने वालों में 4 महिलाएं भी। बरेली थाना इज्जत नगर के करमपुर चौधरी में कल लॉकडाउन का पालन न करने पर चीता पुलिस की पिटाई से युवक बेहोश हो गया था, जिसको लेकर गांव वाले आक्रोश में आ गए। बेहोश को लेकर चौकी पहुंचे और चौकी पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल कश्मीर की मां ने बताया, इसका बेटा खेत से आ रहा था, रास्ते में चीता पुलिस ने रोककर उसकी पिटाई लगाई और वह बेहोश हो गया। इसके बाद चीता पुलिस वाले उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। इससे नाराज गांव वालों ने बेहोशी की हालत में कश्मीर को लेकर चौकी पर आ गए और पुलिस से हाथापाई हो गई। बड़ी संख्या में करमपुर चौधरी के लोगों ने चौकी घेर ली थी। पुलिस ने उनको खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज किया। भगदड़ में एएसपी अभिषेक वर्मा घायल हो गए थे। एएसपी सिटी रविंद्र कुमार ने गांव में दबिश दी। इसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गांव में पुलिस की दहशत से गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए। इज्जतनगर पुलिस ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए रात भर दबिश दी और 43 लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस आज जिला अस्पताल में आरोपियों का मेडिकल करवाया और जेल भेज दिया। करमपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और पुलिस हर आने जाने वाले पर रखी हुए है। करमपुर गांव में किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और अब तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, करमपुर चौधरी गांव के घटना के तुरंत बाद सभी लोग वहां पहुंच गए थे। इसकी एफआईआर दर्ज की गई सभी सुसंगत धाराओं में और 44 लोग नामजद और करीब 150 अज्ञात के विरुद्ध की गई है और इसमें 40-42 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध जो आरोप हैं, एक तो लॉकडाउन का उल्लंघन करना, पुलिसकर्मियों से मारपीट करना, मेन रोड को हाईवे को जाम करना और जब उनसे खाली कराने के लिए कहा जा रहा था तो चौकियों के कमरों के भीतर घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना और ये कहना कि वो पुलिसकर्मी कहाँ हैं जिन्होंने हमारे गांव में जाके लोगों के साथ मारपीट की है। तो इन सभी धाराओं में इनको हम जेल भेज रहे हैं और जो उपलब्ध वीडियो हैं उस समय की, जिस समय इन लोगों ने वहाँ पर तमाशा किया था, उस वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।